देखिए, सुबह हमने क्लास ली थी, एचआरएम की बात कर रहे थे, जो काम हमारे सामने चल रहा है उसके बारे में, कोई कर रहा है उसके बारे में, उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ दोबारा से आपको। वो अपनी ओवरऑल क्लास थी थ्योरी में। मैंने आपको बताया था कि हम कोई काम कर रहे हैं या हमारे सामने कोई काम कर रहा है, उस समय जब अपन को कोई भी बात इंग्लिश में कैसे बोलनी है, ग्रामर के रूल पर अपन को बिल्कुल नहीं जाना है, सिर्फ इंग्लिश बोलना सीखना है। एंड स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, नॉट बाय लर्निंग। लर्न करने से कुछ नहीं होगा, यहाँ पर अपन बोलने की प्रैक्टिस करनी है और बोलने से अपन सीखेंगे। अपन ने बात की थी कि हम जब भी कोई काम हमारा प्रोग्रेस रूप में चल रहा है तो उस समय हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, इज, एम और आर। ये तीन अपन ने बात की थी। आर को अपन ने लिया था प्लूरल के साथ, एंड इज सिंगुलर, और एम जो था वो किसके साथ लिया था हमने, आई के साथ। ये अपनी बात हुई थी। जो इसके बाद अपनी वर्ब आएगी उसमें अपन आई एन जी एड करके, प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं इसको, जो किसी वर्ब में आई एन जी लगती है उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, और जीरंड भी बोलते हैं। वो जीरंड क्या होता है, पार्टिसिपल क्या होता है, वो अलग कहानी है। सिर्फ ये मानना है अपन को तो वर्ब में आई एन जी लगानी है, और जो काम करता है उसको तो हमको शुरू शुरू में लिखना ही है। हमने कहा था कि हम पढ़ रहे हैं, जो काम कर रहा है वो वी, अब बी के साथ हमारी आंखों के सामने काम हो रहा है, हम पढ़ रहे हैं, इस समय पढ़ रहे हैं। तो ऐसे चलने वाले कार्यों के लिए हमको एज एम आर में से यूज करना है, वी ज्यादा है तो मैंने आपको बताया था बी के साथ किसका यूज कर लेंगे अपन, आर का, वी आर। और क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, स्टडी, तो क्या लिख देंगे अपन, वी आर स्टडिंग। ये हमारा यहां पर आकर के सेंटेंस बनता है कि वी आर स्टडिंग, ये स्ट्रक्चर है। अब इसी में आपको क्या बदलना है, काम करने वाला बदल रहा हो तो बी की जगह उसको बदल दो, हम पढ़ रहे हैं की जगह मैं पढ़ रहा हूं आई आ जाएगा, वह पढ़ रही है सी आ जाएगा, वह पढ़ रहा है ही आ जाएगा, या किसी का नाम है संतोष पढ़ रहा है तो नाम लिख देंगे। क्या बदला, काम करने वाला यहां बदलना है, यहां क्या करना है, या कुछ नहीं, आई है तो एम लगा दिया, वी है ज्यादा है मतलब प्लूरल है तो आर लगा दिया, सी है सिंगुलर है तो इज लगा दिया, ही ये भी सिंगुलर क्या आएगा, इज, संतोष एक है क्या आएगा, इज। अगर दो नाम आ गए, संतोष और शीतल जी पढ़ रहे हैं तो एक से ज्यादा हुए ना, एक से ज्यादा होते प्लूरल, जहां एक से ज्यादा हो जाए आर लगा दो, संतोष एंड शीतल जी आर। अब बात आई इसकी स्टडिंग, पढ़ रहे हैं जो काम हो रहा है उसको यहां बदलते जाओ, स्टडी कर रहा है तो स्टडिंग, खेल रहा है तो प्लेइंग, रो रहा है तो क्राइंग बीपिंग, सो रहा है तो स्लीपिंग, सांस ले रहा है ब्रीदिंग, पी रहा है ड्रिंकिंग। जो भी अपन को कोई काम है वो कहां पर बदलना है, ये बदलना है। अब देखिए, सब में यहां पर बस आई एन जी, यानी कि अपन ने क्या बदली, सिर्फ जो वर्ब है उसको बदला है, आई एन जी सब में लगा रहे हैं, यहां पर केवल एज एम आर लगा रहे हैं, प्लूरल है आर लगा दिया, सिंगुलर है एज लगा दिया, आई आ गया तो एम, एम की कोई बड़ी बात नहीं, सिर्फ आई के साथ आता है, याद नहीं रखना, याद तो आपको ये रखना प्लूरल के साथ आर, सिंगुलर के साथ एज। जो काम करने वाला बदल जाता है तो आगे आगे उसको बदल दो, सिंपल सेंटेंस है। अब इसमें देखिए, थोड़ा सा अगर अपन आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, तो उसमें यह होता है कि जैसे अपन ने कहा स्टडिंग, हम पढ़ रहे हैं ये तो पता चल गया, क्या पढ़ रहे हैं उसको आगे लिख दो, जैसे हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं वी आर स्टडिंग तो आएगा ही आएगा, हम पढ़ रहे हैं क्या पढ़ रहे हैं इंग्लिश, अब हमने आगे क्या लिख दिया इंग्लिश, वी आर प्लेइंग हम खेल रहे हैं, क्या खेल रहे हैं उसको आगे लिख दो, वी आर प्लेइंग क्रिकेट, वी आर प्लेइंग हॉकी, वी आर प्लेइंग बैडमिंटन, जो भी है आगे बढ़ाते जाओ। क्राइंग, अब रोने का तो ऐसा है नहीं कि हम क्या रो रहे हैं, बस रो रहे हैं तो रो रहे हैं, वी आर क्राइंग। सोने में क्या है, क्या सो रहे हैं, इसमें भी कुछ नहीं है, तो वी आर स्लीपिंग।
जब कोई ऐसा सेंटेंस आए हमारी आंखों के सामने चल रहा होता है तो उसमें अपन क्या करते हैं, जो काम कर रहा है उसको सबसे पहले अकेला है, दो है, ज्यादा है या आई है, उसके अकॉर्डिंग एजेमर और आई एनजी फॉर्म लगा देंगे काम करने में और हमारा इंग्लिश में वो सेंटेंस बन जाएगा। दूसरी बात जो यहां पर आ रही है, जरूरी थोड़ी एक काम हो रहा हो, ये भी तो है कि हमारे आंखों के सामने कोई काम नहीं हो रहा हो, किसी ने आपसे फोन पे किया, यार बारिश आ रही है क्या, अपने रिश्तेदारियों बहुत करते जैसे अपन के यहाँ बारिश आ गई, और हमारी बहन को पूछ लेते कि वहाँ बारिश आ रही है क्या, हमारे मामा को पूछ लेते वहाँ बारिश आ रही है, हमने फोन किया बारिश हो रही है क्या, यहाँ बारिश नहीं हो रही है, तो कोई जरूरी थोड़ी है कि हमारे आंखों के सामने कोई काम हो ही रहा हो, नहीं भी हो सकता है। जब नहीं हो रहा है तो उसके लिए अपन को क्या करना है, उसके लिए अपन को नॉट लगा देना है, क्या लगा देना है, नॉट। और जो ये नॉट है ना, ये बड़े शर्मीले भाई साहब हैं, इनको अत्यधिक शर्म आती है, अकेले खाई नहीं जाते मेरी तरह, मुझे भी शर्म आती है, प्रिंसिपल सर के पास में पहली बार जब जॉइन करने आया मुझे शर्म आई, तो मैं केस को लेके आऊंगा साथ अपने फ्रेंड को, अपने दोस्त को कि यार कोई बात आए तो चले आप, क्योंकि एक दोस्त ही ऐसा होता है जिससे अपन मन की बात कर सकते हैं, कि तो चलो अपने फ्रेंड को साथ ले गए। अब नॉट का फ्रेंड कौन है, ये शर्म लग रही है इसको, सेंटेंस में इसको आना ही है, तो इसका फ्रेंड कौन है, इसके 24 फ्रेंड होते हैं और वो 24 के 24 हेल्पिंग वर्ब होती हैं, और उनमें से तीन हेल्पिंग वर्ब कौन सी हैं, इज एम आर, तो इज एम आर इसके फ्रेंड हुए, तो कहां आएगा, नॉट इज एम आर के साथ, आगे आएगा या पीछे, पीछे आएगा, क्योंकि जब हमको शर्म लगती है तो हम हमारे फ्रेंड से कहते हैं कि आगे तू जा, हम पीछे जाते हैं, ऐसे ही नॉट क्या कहेगा इससे, इज एम आर से, कि आगे आगे तू चल, पीछे मैं आ रहा हूं। तो अपन को जहां भी नोट लगाना है, वी आर स्टडिंग, हम पढ़ रहे हैं, अगर इसको बोले हम नहीं पढ़ रहे हैं तो नोट कहां आएगा, वी आर नॉट स्टडिंग, आई एम नॉट प्लेइंग, सी इज नॉट क्राइंग, ही इज नॉट स्लीपिंग, संतोष इज नॉट टीचिंग। नॉट की कहानी इस तरह से होती है, काम जो करते हैं उसको सबसे पहले लिख दो, एज एम आर लिखो और स्टडी। अब देखिए, हम घर पे जो भी काम करते हैं उन सब की देखिए, सबसे पहले अपन नहाते हैं, कोई आपसे कहे क्या कर रहे हो, मैं नहा रहा हूं, क्या बोलेंगे, मैं नहा रहा हूं, उसी टाइम हो रहा है नहीं काम, तो उस समय आपको बोलना है आई एम बाथिंग, और अच्छी तरह से बोलना चाहे तो टेक बाथ भी होता है, इंग्लिश वाथ तो होता ही है नहाने का, दूसरा होता है टेक बाथ, तो आप कहिए या तो आई एम बाथिंग या आई एम टेकिंग वाथ, मैं मंजन कर रहा हूं, आई एम ब्रशिंग, और किस में कर रहे हैं ब्रशिंग, टीथ में, तो टीथ आगे जोड़ना है, वी आई एम ब्रशिंग द टीथ, मैं कपड़े धो रहा हूं, आई एम वॉशिंग द क्लॉथ्स, या वह कपड़े धो रही है, सी इज वॉशिंग द क्लॉथ्स, नहीं धो रही हो तो कोई जरूरी है कि धो दे, नहीं धोते कर लेंगे, तब क्या बोलेंगे, शी इज नॉट वॉशिंग द क्लॉथ। आगे अपन चलते हैं, खाना बनाते हैं, खाना बनाने की होती है मेक फूड, तो आई एन जी लगती है वो मेक में लगती है, वह खाना बना रही है, शी इज मेकिंग फूड, और नहीं बना रही है तो शी इज नॉट मेकिंग फूड। खाना खा रहे हैं, वी आर ईटिंग फूड, नहीं खा रहे हैं तो वी आर नॉट ईटिंग फूड। इसमें आपको ज्यादा से ज्यादा बोलने की जरूरत है, स्पीकिंग जब ही आएगी जब आप ज्यादा से ज्यादा अपनी टंग को ट्विस्ट करोगे। अगर आपने ग्रामर के रूल रटना चालू कर दिया तो स्पीकिंग नहीं आएगी, ग्रामर के विद्वान बन जाओगे, और अगर आपने ग्रामर के रूल को अवॉइड करके बोलने पर ही ज्यादा ध्यान दिया तो आप स्पीकर बन जाओगे, ग्रामर धीरे धीरे सीख जाओगे। ग्रामर सीखने के बाद बोलना कठिन है, लेकिन बोलने के बाद ग्रामर सीखना बहुत सरल है, इसलिए हमारी ये क्लास भी स्पोकन क्लासेज है, अपन को तो इंग्लिश बोलना सीखना है कैसे भी आए। अब जितने मैंने ये आपको एक स्ट्रक्चर बताई, ऐसी 35-40 स्ट्रक्चर हैं, उन स्ट्रक्चर को पढ़ने के बाद अपन को इंग्लिश बोलने में कोई दिक्कत ही नहीं आती है। ऐसी स्थिति में आपको घर पर क्या करना है कि आप जो भी काम कर रहे हो, कोई आपके सामने हो तो ठीक, नहीं हो तो शीशे के सामने खड़े होजिए, खड़े होने के बाद शीशे में जो अब आपकी परछाई दिखे, जो आपका चित्र दिखे उसको मानिए कि वो दूसरा है, और उसी से आप उन बातों को इंग्लिश में करने की कोशिश करो, ये आपका होमवर्क है। कुछ जो वर्ब्स हैं हमारे डेली यूज की वर्ब्स हैं वो आपको मैं व्हाट्सएप पे भेज रहा हूँ एक पेपर में लिख के, उनको याद कर लीजिएगा और उनकी से संबंधित सारे सेंटेंस बोल बोल करके
और ऑडियो मुझे आपका होमवर्क, ऑडियो होगा, रिटन का कोई होमवर्क नहीं होगा, सिर्फ होमवर्क होगा बोलने का, बोल करके रिकॉर्ड कीजिए आवाज़ को और मुझे उसको वापस भेजना है। जहाँ तक है मुझे लगता है कि समझ में आया, कोई भी आपको दिक्कत है आप मुझे कभी भी फ़ोन कर सकते हो, मैं आपको उसी टाइम बताऊँगा। और अगली क्लास हमारी कल वही 8 से 9, अगर थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ तो 9 से 10 अपनी क्लास लगेगी। सभी आज कम जुड़े थे, 12 या 11 13 लड़के थे, आज ज़्यादा जुड़ने चाहिए। ठीक है, गुड नाइट।